देखिए हम लोग लगातार मंदिरों में अखंड हवन पूजन पाठ कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि हमारा जो चंद्रयान थ्री है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो इसकी क्योंकि चंद्र देवता हमारे पंच तत्व में से एक जल तत्व का जो है वो देवता माने गए हैं नवग्रह में से एक प्रधान देवता हैं वाराणसी में चंद्रदेव का कालों से पूजन होते आया है भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है और इस कारण बनारस में आप देखेंगे गंगा माँ भी चंद्राकार में है तो इसलिए हम लोग देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में उपस्थित हुए हैं हवन कर रहे हैं जिससे हमारा चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रयान थ्री जा रहा है उसको सफलतापूर्वक लैंडिंग होने दे चंद्रदेव और हमारे इसरो के वैज्ञानिक की जो परिक्षण है वो सफल हो पूरी तरह से इसी कामना से हम लोग हवन हवन यहाँ पे कर रहे हैं जी वेद से विज्ञान है पहले वेद था वेद था वेदों से ही ये विज्ञान निकला हुआ है और ये विज्ञान में और वेद में भी चंद्रमा का विशेष महत्व बताया गया है चंद्रमा को सोम भी कहते हैं पहले देवता लोग सोम यज्ञ भी करते थे जिससे सोम रस प्राप्त होता था और उसके द्वारा चंद्रमा हृष्ट पुष्ट बलवान हुआ करते थे उसी प्रकार आज हमारे वैज्ञानिक ने चंद्रायन थ्री लॉन्च किया और आज चंद्रमा के सतह पे जा पहुंची है बस लैंडिंग होनी बाकी है और तेईस तारीख को जहाँ तक हमें संभावना कि तेईस तारीख को वहाँ पे सूर्योदय होगा चंद्रमा पे तो उस समय वहाँ पे लैंडिंग होगी इसी के लिए कि अच्छे तरीके से वहाँ पे लैंडिंग हो जाए सफलतापूर्वक हो जाए उसी के लिए हम सभी चंद्र देवता से भगवान चंद्र देवता के अधिपति भगवान शंकर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वह निर्विघ्नता पूर्वक हमारी जो वैज्ञानिकों की कामना है उस कामना को पूर्ति करें और चंद्रनाइन थ्री को वहाँ पर उतरने में अपना शक्ति प्रदान करें वो अभी रूस का गया था लेकिन अभी हाँ विफल रहा वहाँ पे कुछ ही ब्लास्ट हो गया था ऐसा समाचार में मैंने देखा तो देखिए जो जल्दीबाजी का काम होता है वह काम में थोड़ा सा विघ्न आएगा ही और और हमारा जो वैज्ञानिक है बहुत सूझबूझ के साथ यह कार्य को कर रहे हैं और वैज्ञानिकों के कि को शक्ति प्रदान करने के लिए उनके बुद्धि को देखिए चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है चंद्रमा मनसो जायत चंद्रमा मन कारक ग्रह है ज्योतिष में चंद्रमा को मन के कारक का ग्रह बताया गया है इसलिए चंद्रमा हमारे वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि उनके बुद्धि के द्वारा जो यह चंद्रयान भेजा गया है वहाँ सफलतापूर्वक वहाँ पे वहाँ पे लैंडिंग हो जाए और जो भी हमारी च... वैज्ञानिकों की जो कामना है वह कामना को लेकर के वहाँ पर वापिस आए